Namaskar my students, welcome to the V Astronaut Way, okay, where mathematics becomes magic and every concept becomes super easy. आज हम शुरू करने वाले हैं ऐसा टॉपिक जो IIT JEE, IIT JAM, IIT और TIFR, okay, UPSC, NDA, GATE सब जगह पूछा जाता है और वो है the legendary Gamma, Beta functions. ओके बच्चों, अगर आप इंटीग्रेशन में अटक जाते हो, ओके, अगर आपको टफ डेफिनाइट इंटीग्रल सॉल्व करना नहीं होता है तो आज का जो क्लास आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, बिकॉज आफ्टर टुडे इंटीग्रेशन लाइक वो बहुत इजी होगा आपके लिए. ओके, शॉर्टकट प्रोसेस है, सभी शॉर्टकट होगा. ओके, चलिए शुरू करते हैं द मैजिक ऑफ गामा बीटा फंक्शंस. ओके, सो फॉर पार्ट वन, गामा फंक्शन, गामा फंक्शन. ओके, सबसे पहले गामा फंक्शन क्या होता है? सो गामा फंक्शन बेसिकली क्या है? गामा n जो है 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस x dx वेर n ऑलवेज ग्रेटर देन 0. बस इतना सा फॉर्मूला है और इसका पावर देख लो, पूरे इंटीग्रेशन का गेम चेंज हो जाता है. कैसे? ये देखो, लाइक इसका रेकरेंस फॉर्मूला है गामा n प्लस 1 जो है n ऑफ गामा और इसका शॉर्टकट है फैक्टोरियल n, इतना है. ओके, ये बेसिकली एक पार्ट है जो गामा इज बेसिकली फैक्टोरियल फॉर रियल नंबर्स, ओके, इवन कॉम्प्लेक्स नंबर. लाइक आपके पास फैक्टोरियल गामा ऑफ 1 है, ओके, जो होगा फैक्टोरियल 0 और वो भी पता है फैक्ट वो इसका वैल्यू है 1. गामा 2 फॉर सम एग्जाम्पल वो होगा 1, ऐसा है. हाँ, और जो बहुत लाइक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके पास अगर गामा हाफ होता है, गामा हाफ मान लो, ओके, जो मेन इम्पोर्टेंट है, उसका जो आंसर होगा ना वो शॉर्टली होगा रूट पाई. ओके बच्चों, ये है सबसे मेन पार्ट, वो मेन है गामा हाफ जिसका वैल्यू है रूट पाई. ओके, तो बच्चों सॉल्व करते हैं हम फ्यू क्वेश्चंस. ओके, लाइक एक क्वेश्चन आपके पास है 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर 7 e टू द पावर माइनस 2x dx. ओके बच्चों, ये टफ होगा आपके लिए, थोड़ा इजी करते हैं इसको, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं. ओके, एक्स टू द पावर 7 ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स और गामा एन, इसका जो फॉर्मूला है ना वो है 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन माइनस 1 ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स. तो इसके रिगार्डिंग हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 8 माइनस 1 ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, जो बेसिकली क्या होगा बच्चों? गामा 8. और गामा 8 क्या है? फैक्टोरियल 7. ओके, फैक्टोरियल 7 इट मीन्स इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, जो आएगा वही इसका आंसर. 5 4 3 2 1. ओके बच्चों, हाँ, आफ्टर दैट you will get the answer. Next question number 2. अभी क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले एक फॉर्मूला हम लोग सीखते. ये था 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स का जो है गामा n. ओके, और यहाँ पर सिर्फ 1x था. ओके, 1x. If the integration will like that x to the power and e to the power minus x dx. बच्चों इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला होगा ना वो होगा गामा एन प्लस वन ए टू द पावर एन प्लस वन, ऐसा होगा इसका फॉर्मूला. ओके शॉर्टकट इसके रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. लाइक बच्चों आपके पास मान लो आपके पास ऐसा एक क्वेश्चन आया 0 to infinity x टू द पावर 7 e टू द पावर माइनस 2x dx. ओके अगर हम ये दोनों क्वेश्चन को कंपेयरिंग करने के बाद आपके पास होगा n will 7 ओके and a will be 2. फॉर्मूला भी पता है वो होगा गामा n प्लस 1 अप टू a टू द पावर n प्लस 1 जो है गामा 8 a टू द पावर सॉरी ए तो नहीं है, ए की जगह पर होगा 2 टू द पावर 7 प्लस 1 ऊपर होगा फैक्टोरियल 7 और नीचे होगा 2 टू द पावर 8. फैक्टोरियल 7 एंड 2 टू द पावर 8 का वैल्यू पुट कर दो, जो होगा वही होगा उसका आंसर 256. ओके बच्चों ऐसा है, इजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. ओके बच्चों सो मान लो आपके पास ऐसा एक क्वेश्चन है 0 to infinity x to the power half e to the power minus 3x dx. सेम लाइक दैट यहाँ पर आपका जो गामा होगा वो होगा क्या n प्लस 1 और यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर बच्चों n है हाफ प्लस 1 ओके सो हाफ प्लस 1 और नीचे होगा 3 टू द पावर हाफ प्लस 1. ओके तो बच्चों ओके नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ से ना आपका हाफ यहाँ पर आएगा, सामने आएगा और यहाँ पर रहेगा गामा ऑफ समथिंग. ओके एंड इसका वैल्यू आएगा 3 टू द पावर हाफ मल्टीप्लाई 3 एंड वी ऑलरेडी नो दिस इज रूट 5. इसका आंसर होगा 3 रूट 3 इतना ही है इसका आंसर. ओके नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट फार्मूला जो आपके लिए अच्छा होगा वो है 0 to infinity x टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. बच्चों इसका जो फार्मूला है ना वो है हाफ गामा m अपन 2 शॉर्टकट फार्मूला. याद रखो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा. ये था गामा फंक्शंस का शॉर्टकट रूल्स जो आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट देगा अगर आप इसको रिमाइंड करोगे आपका. ओके नेक्स्ट पार्ट 2 वो है बीटा फंक्शन. सो बीटा फंक्शन वो डेफिनेशन क्या है, बीटा फंक्शन का जो पार्ट है ना उसका जो फॉर्मूला है ना बीटा एम एन वो है 0 to 1 एक्स टू द पावर एम माइनस 1 माइनस एक्स होल टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स. ओके ये है बीटा का जो फॉर्मूला बीटा एम एन बेसिकली 0 to 1 एक्स टू द पावर एम माइनस 1 माइनस एक्स होल टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स. हाँ तो और एक इम्पॉर्टेंट है जो बीटा और गामा का जो रिलेशन, हाँ रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा वो है बीटा एम एन विच इज गामा एम गामा एन अपन गामा एम प्लस एन. ओके ये लाइक आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लो आपके पास एग्जाम्पल आए 0 to 1 x to the power 7 है 1 minus x whole to the power 4 dx। ओके लाइक एक एग्जाम्पल है। आप ये बीटा को भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर गामा का भी यूज़ कर सकते हो। हाँ अब डिपेंड करता है। ओके सो पहले इसको कंपेयर करो बीटा से। ओके देखो आपके पास होगा 0 to 1 x to the power 8 minus 1 और यहाँ पर होगा 5 minus 1 dx। आफ्टर दैट हम लोग लिख सकते हैं इसको 8,5 जो है गामा 8 मल्टीप्लाई गामा 5 अपन गामा 8 प्लस 5। बच्चों पहले होगा फैक्टोरियल 7 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4। ओके और नीचे होगा फैक्टोरियल 12। इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका बेसिक फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म लाइक जो ट्रिगोनोमेट्रिक में है। मान लीजिए आपके पास एक है 0 to π/2 साइन का है। हाँ साइन एंड कोस का है। साइन टू द पावर m-1 x एंड कोस टू द पावर n-1 x dx। ओके बच्चों हाँ 0 to π/2 है। अब इसका लिमिट हाँ एंड साइन टू द पावर m-1 कोस टू द पावर n-1। ओके साइन टू द पावर m-1 x कोस टू द पावर n-1 x जिसका फॉर्मूला है हाफ अपन b अपन m/2 n/2 बीटा ऑफ m/2, n/2। ओके एक एग्जांपल कर लो। लाइक आपके पास 0 to π/2 है, साइन टू द पावर 4x है एंड कॉस क्यूब x है। इसका जो शॉर्टकट फॉर्म आएगा वो क्या होगा बच्चों? हाफ। ओके हाफ और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ओके अच्छा पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करो इसको फॉर्मूला की तरह। साइन टू द पावर 3 5 minus 1 x कॉस टू द पावर 4 minus 1 x dx। तो बच्चों अब होगा इसका रिप्रेजेंट। देखो ये होगा बीटा ऑफ 5/2 4/2 और ये होगा बीटा ऑफ 5/2 and 2। ओके अभी नेक्स्ट स्टेप हाफ गामा ऑफ। देखो यहाँ पर क्या था? बीटा का जो फॉर्मूला था ना उसमें था गामा ऑफ वो जो होगा m अगर लिखोगे यहाँ पर m ही होगा, n लिखने बाद n ही होता है गामा n एंड नीचे इसका प्लस होगा। और सेम लाइक दैट गामा ऑफ 5/2 गामा ऑफ 2 एंड गामा 5/2 plus 2। okay and after that we'll get okay gamma 5/2 1 plus 2 that means क्या होगा 3 वो होगा फैक्टोरियल 1 सेम गामा ऑफ आपके पास रहेगा 2 7 प्लस 1 ऐसा होगा बच्चों। ओके इसके बाद यहाँ पर होगा 3/2 गामा ऑफ 3/2 7/2 गामा ऑफ 7/2। नेक्स्ट सेम होगा 3/2 ये पर आएगा 1/2 गामा ऑफ 1/2. ओके पर होगा 5/2 3/2 1/2 गामा ऑफ 1/2 ऐसा होगा after calculation. Then this will be eliminate ये वाला. ओके लास्ट रहेगा 2/35. यही है इसका आंसर. आई थिंक अपने बहुत सारे हम इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है. इवन गामा बीटा इसका कॉन्सेप्ट और इसका जो मेन पार्ट है वो सब हम लोगों ने किया है एटलीस्ट. ओके सो नेक्स्ट थोड़ा और क्वेश्चन कर सकते हो आप अगर आपको चाहिए. नेक्स्ट सोचो और देखो लाइक एक क्वेश्चन आया ऐसा x⁴ 1 - x² dx. ओके 0 to 1 ठीक है. x⁴ 1 - x² ½ dx. इज इट क्लियर? बट ये तो यहाँ पर नहीं है ना. हम लोगों को तो सिर्फ ये पता है कि x⁴ m - 1 होगा, 1 - x होगा, m⁻⁻1 होगा. बट यहाँ पर थोड़ा उल्टा है. यहाँ पर x⁴ 1 - x². तो इसका फर्स्ट स्टेप होगा जो है ना वो होगा हम लोग इसको सब्सटीट्यूट करेंगे. लेट x² और x = sin θ सब्सटीट्यूट करेंगे. हाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में वो कन्वर्ट होगा. तो dx क्या होगा बच्चों? dx का होगा cos θ d θ. और इसका जो साइन है ना और लिमिट्स वो भी चेंज होगा. x एंड थीटा 0 and 1. अभी 0 पुट करने के बाद आएगा यहाँ पर 0 and 1 पुट करने के बाद आएगा बच्चों 5/2. तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा 0 to π/2 और x की जगह पर होगा साइन. तो sin⁴ थीटा. ओके एंड यहाँ पर होगा 1 - sin² θ ½ और dx की जगह पर होगा cos θ d θ. नेक्स्ट स्टेप 0 to π/2 sin⁴ θ. जो यहाँ पर रहेगा सिर्फ cos θ d θ. नेक्स्ट 0 to π/2 यहाँ पर रहेगा sin⁴ θ cos² θ d θ. सेम लाइक दैट जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना ऐसा वो भी सेम ही था. sin⁴x एंड cos³ x था वो. अब ये cos² θ. तो ऐसे होगा 0 to π/2 sin⁵5 - 1 θ cos⁵3 - 1 θ d θ. इसके बाद इसका गामा रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा तो क्या होगा 5/2 एंड गामा ऑफ 3/2 और नीचे ये दोनों का प्लस होगा. ये दोनों का प्लस करने के बाद आएगा नीचे 2 ऊपर होगा 3. 5/2 ना तो ये ऐसा आएगा 3/2 आएगा 1/2 होगा एंड √π रहेगा. 3/2 है दैट मीन्स 1/2 होगा और √π रहेगा. और नीचे बच्चों गामा 8/4